हेलो भाई, ये वीडियो क्रिएटर भाइयों के लिए बहुत ही काम में आने वाला है, जो लोग यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं और जो लोग काइन मास्टर पर एडिट करते हैं या फिर आप फोटोज वगैरह भी एडिट करते हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि जब आप स्पीड में एडिटिंग कर लेते हो तो आप कौन सा टैब को क्लिक करते हुए पता नहीं चलता है। अगर आप उसमें इंडिकेट्स वगैरह यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो लोग व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स को देखने में और सीखने में आसानी होगा मेरे भाई। और आज का वीडियो के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई आप लोग थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा। दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट किए हैं या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं मेरे भाई। और पास में जो बेल आइकन है उससे भी दबा सकते हैं ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहले पहुंचे। तो बिना डरे के वीडियो को शुरू करते हैं भाई। मेरे जैसे कि पिछले वीडियो में पबजी और फ्री फायर रिलेटेड जो कि मतलब आईडी हैक हुआ था उस चीज के बारे में हमने वीडियो लेकर के आए थे। उसमें मेरे काफी सारे भाई लोग कॉमेंट्स भी किए, अच्छा सपोर्ट में मिला था मेरे भाई। इसी के लिए तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे भाई। कुछ दोस्तों ने वहाँ पर कमेंट्स भी किए थे कि भाई आप जो इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पर यूज़ किए हैं आप उसको कैसे एडिट करना है काइन मास्टर पर, इसके बारे में एक वीडियो लेकर के आओ। तो मेरे भाई, मैं डरी नहीं किया हूँ, बस एक दिन का बाद फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आ गया मेरे भाई। तो चलो बिना डरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे डिटेल्स में बताते हैं क्या क्या सिंबल और कैसे टाइप से हमको यूज़ करना है। चलो हम चलते हैं हमारा मोबाइल के स्क्रीन पर, फिर बताते हैं आपको सारे डिटेल्स। पहले तो आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है और एक वीडियो आपको यहाँ पर ऐड करना है। मैं मेरा गैलरी पर एक वीडियो सेव करके रखा हूँ, इसको यहाँ पर हम ऐड करते हैं गैलरी से। चलो पहले तो हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं भाई, क्योंकि बैकग्राउंड ले लेने से थोड़ा अच्छा रहता है एडिट करने में। लेयर में चलते हैं, फिर मीडिया में जाके एक वीडियो जो हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखे हैं इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको सीखने में आसानी हो मेरे भाई। चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको स्किप करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आ रहे हैं कैपिटल मनीला। सपोज मान लो कि ये जो कैपिटल मनीला है इसको हमको स्क्वायर टाइप बॉक्स में उसको मार्किंग करना है, इंडिकेट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, पहले तो आपको लेयर पर जाना है और फिर आपको हैंडराइटिंग पर चल जाना है। और मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जो एरो टाइप का आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। आप यहाँ से आपको जो सिंबल चाहिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सपोज मान लो कि हमको जो स्क्वायर वाला दिख रहा है हम इसी स्क्वायर वाला को यहाँ पर यूज़ करना है, तो हम स्क्वायर वाला को चूज कर लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका साइज हम इतना रखें, इतना रहने से भाई सही रहता है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये साइज़ रहने से बहुत ही अच्छा रहता है। और आप यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं और यहाँ से आप उसका जो ओपेसिटी है आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हो। तो मैंने ब्लैक कलर को चूज नहीं, रेड कलर को चूज कर लेते हैं। और हमको क्या करना है, कैपिटल मनीला को इंडिकेट करना है। तो हम इसको थोड़ा सा दबा के यहाँ पर ड्रैग करते हैं भाई। आप यहां पर देख सकते हो ये जो राइट वाला सिंबल दिख रहा है इससे आपको क्लिक कर लेना है, बस आपको इसको जगह पर सेट कर देना है। आप देख सकते हो भाई यहां पर बहुत ही अच्छा तरीके से ये जो हम इसको इंडिकेट किए हैं अच्छा तरीके से ये बन गया है। इसको हम एक एनिमेशन दे देते हैं भाई, इसको एक बार क्लिक करना कर लेना है। जब आप क्लिक कर लोगे इससे तो आप ऐसे इसको जैसे क्लिक करते हैं तो कैसे रहता है काइन मास्टर में, जो लोग एडिट करते हैं उनको तो पता ही होगा। बस आप यहां पर तीन एनिमेशन दिख रहा है भाई, इसको पहले हम करके देख लेते हैं क्या क्या एनिमेशन आप देख सकते हो यहां पर ड्रॉ बाय स्ट्रक। इसको देखो यहां पर आप स्पीड भी मैनेज कर सकते हो मेरे भाई, देखो हम ये स्पीड ये काफ़ी सही रहता है, इतना में आप रोकोगे तो काफ़ी सही रहता है। आप इसको भी देख लो, ये भी सही है। मेरे को तो ये ड्रॉ बाय स्ट्रोक जो है ये वाला एनिमेशन अच्छा लग रहा है मेरे भाई। तो चलो हम इसको पहले यूज़ कर लिए, फिर अगर थोड़ा हम आगे आगे बढ़ते हैं भाई, इसको हमको जितना रखना है हम इसमें मैनेज कर लेंगे। हमको क्या कैपिटल
बस हमको इसमें ही रखना है। तो हम इसको साइज में मैनेज कर लिए। फिर अभी हम चलते हैं दूसरा तरफ। सपोज हमको ये जो डायलिंग कोड है इसको हमको क्या, इसको हमको सर्कुलर टाइप का सिंबल देना है मेरे भाई। तो हम फिर से चलेंगे लेयर पर, फिर से चलेंगे हैंड राइटिंग पर, और फिर हम यहाँ से चूज कर लेंगे भाई इस जो सर्किल का सिंबल दिख रहा है इसको, और यहाँ से हम कलर ले लेंगे पिंक वाला। तो चलो फिर हम डायलिंग कोड को एक अच्छा मतलब सर्किल वाला इंडिकेटर देंगे। तो चलो भाई यहाँ पर आप साइज भी देख सकते हो, ये साइज हमारा सही है, ये साइज देने से भाई सही रहता है ठीक। तो हम थोड़ा सा दबा के डायलिंग कोड का आगे थोड़ा सा दबा के इसको ड्रैग करेंगे भाई। आप देख पा रहे हो भाई बहुत ही अच्छा तरीके से बन गया। फिर हम इसको राइट क्लिक कर देंगे और इसको हम मैनेज कर देंगे हिसाब से भाई। बस अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो भाई। बस राइट क्लिक कर दो, यहाँ पर सही से आप मैनेज कर दो, मेकअप हो गया। अभी देखो ऐसे टाइप का आपको सिंबल वगैरह अगर यूज करोगे तो भाई सीखने में थोड़ा काफ़ी आसान होता है, क्योंकि स्पीड में कभी कभार हो जाता है तो अब पता नहीं चलता आप कौन सा टाइप को क्लिक करते हो, कौन सा टूल्स वगैरह यूज़ करते हो। तो भाई ये तो यूज हो किया जो कि सर्कुलर वाला, इसको हम अगर यहाँ पर एनिमेशन वगैरह देंगे तो देखो आप इसे टाइप का एनिमेशन वगैरह भी आप दे सकते हो, जैसे कि आपका जो जो भी मन है आप दे सकते हो मेरे भाई। चलो अगर आपको एरोज वगैरह देना है तो कैसे देंगे, यहाँ पर फिर से सपोज हमको क्या करना है, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फिलिपिनो और इंग्लिश है इसको हमको एरो मार करके इंडिकेट्स करना है। तो भाई हमको हैंड राइटिंग पर फिर से जाना होगा और फिर यहाँ से आपको जो एरो दिख रहा है ना भाई इसको क्लिक करना है। ये एरो को हम कलर दे देंगे ब्लैक कलर, ओके हो गया। अभी हम ऑफिशियल लैंग्वेज को एरो मार करके देंगे भाई, सॉरी थोड़ा गलत हो गया मेरे भाई। आप यहां पर देख सकते हो, ये भाई आपको याद रखना है आप जहां से दबा के ड्रैग करोगे वहां से उसका जो एंड पॉइंट है जो एरो का ऑपोजिट पॉइंट है वहीं से शुरू होगा जहां से आप दबाओगे, ओके। तो भाई ये हो गया। अगर आपको डबल एरो मतलब दोनों साइड में एरो होगा, आप अगर ऐसे टाइप्स के जो कि फोटो एडिटिंग वगैरह करते हैं, पहले वाला फोटो को रखते हैं फिर दूसरा वाला फोटो को रखते हैं, तो उसी जगह पर आप ये वाला सिंबल को ऐड कर सकते हो। यहाँ से हम एक कलर दे देंगे ग्रीन कलर, ओके। देखो भाई ऐसे टाइप का भी आप यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो भाई आज का वीडियो इतना था भाई, करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आपको समझ में भी आ गया होगा इस चीज़ का बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करो, लाइक करो और अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करो मेरे भाई, और पास में जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस करो ताकि हमारा लेटेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। और मेरे भाई अगर आप हमारा इंस्टा फेसबुक पर अगर हमको कॉन्टैक्ट करना चाहे आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और मैं आप लोगों का कमेंट्स और फिर आप लोगों का मैसेज का रिप्लाई जरूर करूँगा मेरे भाई।